मोमोज का कमीशन भी मिले हुए और क्या, ये तो नहीं बताया उसने वीडियो में हैं। थोड़ा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया थोड़ा सा, नीचे गिरा वो बाद में होंगे तुम लोग देखेंगे। संडे को एग्जाम था। वेलकम बैक टू द चैनल। बिना किसी बकवास के सीधे आता हूँ पॉइंट पे। तो आज का क्या है, आप लोगों ने अगर देखा होगा आगे सिनेमैटिक्स में, तो हम लोग प्लान करते हैं हर बार एक्चुअली अगर किसी का बर्थडे होता है तो जाके सेलिब्रेट करें कुछ बच्चों के साथ में। और एक्चुअली बच्चे भी क्या, एक अनाथ आश्रम में, वहाँ पर उन लोगों के साथ में जाके सेलिब्रेट करें। तो मैं आज आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो ऐसी कोई जगह पर जाके सेलिब्रेट करना और आपको नहीं मिलती ऐसी, तो ऐसी हमारे मथुरा में एक ऐसी जगह है, तो जो लोग लोकली यहाँ से देख रहे हैं मेरे को मथुरा में से, तो उनको मैं बता देता हूँ वो प्रॉपर वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, हम कहाँ पे जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम लोग चाहते हैं। तो ये जो जगह है एग्जैक्ट है मच्छी फाटक, मैं जहाँ पे हूँ ये मथुरा में है, न्यू बस स्टैंड के पास है मच्छी फाटक। तो हम लोग जैसे ही इसको ऊपर जाएंगे, अभी मैं मच्छी फाटक पर ही हूँ एग्जैक्ट, तो देखिएगा जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे राइट हैंड साइड पर एक जगह है जिसे अपन लोग बोलते हैं डैम्पियर, और एक यहाँ पे शोरूम भी है, इससे आप लोग लगा सकते हो एक नियर बाय लोकेशन से। तो फर्नीचर की एक शॉप है एक्चुअली, जैन फर्नीचर, तो इसके साइड में है यहाँ पे रोड। हम लोग यहाँ पे जाएंगे अंदर करीब 200 से 300 मीटर और हमें हमारी लोकेशन मिल जाएगी एग्जैक्ट। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ओले 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 ओले, मेरे को निकल जाना था तो पहले। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, यहाँ से जाना है हमको सीधे 200 मीटर अराउंड, 200 भी पूरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आप लोग पहचान सकते हो, वो वहाँ पे एक न्यूज़ का ऑफिस है, वो न्यूज़ चैनल कौन सा है मैं उसका एग्जैक्ट आपको वहीं पे जाके बताता हूँ। तो ये एक बिल्डिंग पड़ेगी करीब 5 से 6 फ्लोर की हमारे राइट हैंड साइड पर, जब हम लोग जाएंगे इधर सेलेक्शन वाले साइड पर, तो यहाँ से हम लोग सीधे होली गेट भी जा सकते हैं। और ये तो ये आ गया हमारे पास समाचार 24 का ऑफिस, ये वाली जो बिल्डिंग है, मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसे पहचानने में दिक्कत ना हो। ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप फ्लोर पे हमारा अनाथ आश्रम, तो यहीं पे हम लोग आज जाएंगे और देखते हैं अगर हो पाया छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम लोगों का, जो हम लोग हर बार करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको वहीं पर जाकर। यहाँ होगी अपनी बाइक पार्क, नीचे अंडरग्राउंड में भी पार्किंग है, और ये यहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर, और अंदर स्टेयर्स हैं, लिफ्ट भी है लेकिन वो बंद है, वो सर्विस में नहीं है। तो यहाँ से अपन लोग अंदर जाके टॉप फ्लोर पे जाना अपन को, टेरेस पे, तो वहीं जाके दिखाता हूँ इधर से। और यहाँ पे आके करनी पड़ेंगे थोड़ी सी कैलोरीज बर्न। कमेंट बॉक्स में बताना कितने फ्लोर चढ़े हैं अंदर। इधर से एंटर करने के बाद ये आएगी छत, और ये है हमारा अनाथ आश्रम। यहाँ पे मिलेंगे आपको करीब 15 से 18 बच्चे, जो कि कभी कम और ज़्यादा भी होते रहते हैं, और हमारे साथ है हमारी दीदी, यही बस ध्यान रखती हैं सारे बच्चों का। और ये है इसका अंदर का व्यू, कूलर वूलर लगे हुए हैं और सभी बच्चों के हैं इधर बिस्तर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, उधर ही दिखा दो आप लोगों को। और किसी ने दो लिए तो मैं लास्ट में मिले। थोड़ा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया थोड़ा सा, ना ना बस 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 इतना ही है। बाय बाय। ये बैठी अपनी पलटन, नाम बताओ जा रही का ना, ये क्या हाथ में वीडी लग रही है। आपका नाम? लव, शिवम, मनोज, नकुल, ईशान। अरे तू क्यों बैठा है बंगी? अच्छा बताओ मोमोज कैसे थे? ठीक 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 ठीक, बेकार थे। और क्या, ये तो नहीं बताया उसने वीडियो में, बोल देंगे कमीशन में वो भी मोमोज वाले के साथ ये बैठता है। वो म्यूनीज का काम मेरे है, म्यूनीज वहीं लगा के देता हूँ। तो हाँ भाई, कैसा लगता है सब लोगों को यहाँ पे?
हम लोग के बातें मजे आते हैं, आया करें सब लोग, और इनको भी बोलना आने के लिए, बोलो सब लोग आया करो यहाँ पे बहुत मजे आते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग सेलिब्रेशन यहाँ पे आगे अपने बर्थडे का कोई भी हम लोगों को सेलिब्रेट करना हो तो बच्चों के साथ आके हमें भी मजा आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं हमारे साथ आके। तो हमारे साथ में यहाँ पे कुलदीप भैया, यही इसको पूरे सबको मैनेज करते हैं और इतने सारे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी यही लेते हैं यहाँ पे। तो यही बताएंगे अभी हमें क्यों इनने इसको शुरू किया और आगे के क्या प्लान है भैया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप लोग आते हैं बच्चों के साथ समय देते हैं तो बच्चों का भी आनंद होता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है और आप दोनों लोगों को देखकर बच्चों के साथ आप सब लोगों को देखकर मुझे अच्छा लगता है। ये जो काम है मुख्य रूप से कुष्ठ रोगियों के बच्चों पर है, जो थोड़ी समुदाय लेप्रसी पेशेंट होते हैं मुख्य रूप से उनके बच्चे जो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, बच्चों को कोई रोग कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे बच्चों को यहाँ रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा एक प्रकार का उनको सामान्य समाज में स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयत्न सृजन के द्वारा आप लोगों के सहयोग से समाज के सहयोग से करना है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोगों से आह्वान है कि आप लोग जुड़ें सृजन से, एक अच्छा स्वरूप आपके साथ मिलकर हम खड़ा कर सकें सृजन का और भी बच्चों को मौका दे सकें, आपसे मिली शक्ति और सामर्थ्य सहयोग के आधार पर यही एक छोटा सा निवेदन है। और मैं चाहूँगा आप लोगों से भी अगर सेलिब्रेट करना है या नियर बाय में हो तो कुलदीप भैया से कांटेक्ट करो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरा मैं इंस्टा आईडी भी डाल दूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कुछ भी आपको पूछना तो मुझे डायरेक्ट डीएम करना, इवन आपको यहाँ पे आने में बोला तो मैं हेल्प करूंगा, मैं या फिर मेरे ग्रुप में मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हेल्प करेंगे, यहाँ पे आके एकदम मज़ा करेंगे, एंजॉय करते हैं बहुत। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ आप लोग जोड़ो और यहाँ पे आके जितना हो पाए उतनी हेल्प करो या एंजॉय करो, बस इतना ही, और अगर कुछ नहीं करो तो सिर्फ सेलिब्रेट करो यहाँ पे आके, दैट्स इट, थैंक यू।